बिहार के कांग्रेस विधायक के घर से पुलिस को एक युवक की लाश मिली है। मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के घर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पीयूष सिंह के रूप में की गई है। घटना के संबंध में एसपी अंबरीश राहुल ने बताया कि नरहट पुलिस को शनिवार की शाम लगभग 4 बजे कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के आवास पर लाश होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां तलाशी के दौरान गोलू सिंह के कमरे से पीयूष सिंह का शव बरामद किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम और एफएससीएल की टीम को भी बुलाया गया है। घटना की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। लगभग शाम को 4:30 बजे नरहट थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि हिसुआ विधायक का माननीय नीतू सिंह के घर पर एक कमरे में, एक बंद कमरे में एक शव पड़ा हुआ है। जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत नरहट थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। आगे यह समझ में आया कि माननीय विधायक का नीतू सिंह का छोटे देवर है, सुमन सिंह नाम है उनका। उनका बेटा का जो ऊपर वाला रूम है, उस रूम में उनके बेटे का नाम गोलू सिंह है, इनके ही गोलू सिंह के ही दूर के एक रिश्तेदार के भाई लगते हैं, जिनका नाम पीयूष सिंह है। पीयूष सिंह का शव वहां पर मौजूद था। उसके बाद आगे जब पूछताछ की गई तो यह बात समझ में आया कि शाम को 7 बजे के आसपास पीयूष सिंह अपने घर से रोटी लेकर गोलू सिंह के साथ खाने पीने के लिए गोलू सिंह के रूम पर आए थे और सुबह में और दोपहर तक वो वापस नहीं लौटे थे। और उनके परिजनों के द्वारा जब खोजबीन किया गया तो उनको उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। और उसके बाद उनके परिजन उस घर पे पहुंचे तो वो रूम बंद पाया गया और उसके अंदर फिर वो डेड बॉडी मिला। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के एक्सपर्ट आ रहे हैं, सबके द्वारा साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर नवादा पुलिस के द्वारा आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगती है सर, विधायक के कोई परिवार यहाँ नहीं है क्या? तो 25 तारीख के तो क्या ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है प्रथम दृष्टया अगेन कि विधायक के कोई परिवार मेंबर उस समय यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गोलू सिंह ही था और गोलू सिंह की 2 दादी थी, और अगर कोई था तो वह अनुसंधान में सामने आ जाएगा कि कौन कौन घर पे थे। एसपी अंबरीश राहुल ने बताया कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी हम लोग एक्सपर्ट्स का वेट कर रहे हैं, एफएसएल के एक्सपर्ट्स आ जाएं और डॉग स्क्वाड आ जाए, उसके बाद ही हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। मृतक के परिवार से बातचीत हुई तो क्या कुछ सामने आया? मृतक के परिवार भी यही बात बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि गोलू सिंह के द्वारा उनको खाने पीने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद वो दिन में वापस नहीं लौटे और फिर बाद में उनका शव उसी के रूम में बरामद हुआ है। गोलू से कोई संपर्क नहीं सर? नहीं, गोलू जो है वो अभी फरार चल रहा है और उसके गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी की। आखिरी सवाल सर, कितने लोगों के नाम सामने आ रही है सर? अभी फर्द बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है, इस संबंध में अभी इस समय कहना कुछ भी उचित नहीं होगा।